अगर आज तुम फोन ना उठाती तो मुझे इस बात का यकीन हो जाता कि जमान ने तुम्हें कायल कर लिया है। उन्होंने जो भी कहा है वो गलत नियत से नहीं कहा था। मानता हूं मैं। अलिश्मा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं कैसे भूल गया था मैं कि मैंने सबके सामने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। कभी कभी खून के रिश्ते जरूरत के रिश्तों से भर जाते। बहुत मुश्किल में हूं अलिश्मा। जो मुझ पर गुजर रही है ना, वो तो मैं किसी से कह भी नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव मुझे मेरे अपने भाई ने दिया है। सोचता हूँ जब मम्मा को ये सब कुछ पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। समझ सकती हूँ मैं आपकी मुश्किल, लेकिन सादाना आपको आंटी को बताना पड़ेगा सब कुछ सच। मैं उस घर में आंटी की नजरों में मुजरिम बन के नहीं आना चाहती हूँ। अलिश्मा, हम कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे। ताकि आपको आंटी को सच ना बताना पड़े। नहीं, सच तो उन्हें पता चले जाए, लेकिन मम्मा ने सारी उम्र सारिम के साथ गुजारी है। वो मुझसे दूर तो रह सकती है, लेकिन सारिम से दूर नहीं रह सकती। सदान, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि मैं उस घर में अपने भाई और मामा को नाराज नहीं करके आ सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी नौबत कभी ना आए। अलिश्मा, मैं भी तुम्हें इस घर में पूरी इज्जत और मान से वापस लाऊंगा। हमने मेरा एक बहुत बड़ा बोझ तो हल्का कर ही दिया कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। थैंक यू सो मच अलिश्मा, थैंक्स अ लॉट। आपसे किया हुआ कोई वादा नहीं भूलूंगा सर, ना ही भूलूंगी। तुमने मेरा मान और मेरी नजरों में अपनी इज्जत और बढ़ा ली है। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा अपना। मैं कहाँ थे तुम? मॉम, आप तो इस तरह फिक्र कर रही हैं जैसे पता नहीं कितनी लोड घर आया। और वैसे भी आपको अपने बड़े बेटे की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ होते हैं वो आजकल? वो शाम से घर पर ही है, अपने कमरे में। तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? तुम्हें जब पता लगेगा ना, तुम भी परेशान होगे। क्या वो? वो अलिश्मा को वापस लाना चाहता है। क्या भाई के दिमाग वाकई खराब हो गया? मॉम, वो नहीं भुला पा रहा उसे। नहीं मॉम, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। अब मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे भी अंदाजा है, वो कह रहा था कि अब शायद तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक लड़की की खातिर भाई ऐसा सोच रहे? और लड़की भी वो जिसने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। अजीब सी सलूशन दिया उसने। कह रहा है कि या तो वो अलिश्मा को लेकर बाहर सेटल हो जाएगा, या फिर तुम अपनी बीवी को बाहर ले जाना। बीवी? वो चाहता है कि तुम शादी कर लो। ये चल रहा है भाई के दिमाग में? पूछ लो उससे। रुको, बड़ा भाई है, जो भी कहेगा ना हौसले से सुन लेगा।